और इसीलिए मैं आपके बीच आया हूं क्योंकि आप मेरे परिवार के हैं, आप ही मेरा परिवार है, और इसलिए मेरे अपने परिवार के बीच दीपावली मनाना उनकी खुशियों में शरीक होना उनके सुख दुख को समझना हो सके तो उस धरती पर जाकर के अनुभव करना क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि आप खुद जाकर के देखते नहीं है वो सिनेमा से पता नहीं चलता है फोटोग्राफ से पता नहीं चलता है मिर्ची कितनी तीखी होती है और कितना ही बढ़िया उसके बायोडिसेक्शन को देख करके सुन करके कोई तय कर सकता है क्या तो मुंह में डालने के बाद ही पता चलता है कि कितनी तो आप लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं वो तो कौन सी भावना है कौन सी प्रेरणा है कि जो आपको ये ताकत देती है जब मैं आप लोगों से हाथ मिलाता हूं तो आपको लगता होगा कि ये कोई फॉर्मेलिटी है मिलाना पड़ता है मेरे लिए फॉर्मेलिटी नहीं है मुझे एकदम से ऊर्जा मिलती है आपसे हाथ मिलाता हूं एक नई चेतना आ जाती नई ताकत आ जाती क्योंकि आपके साथ क्योंकि आप लोगों ने एक प्रकार से जिंदगी को ऐसे जिया होता है एक प्रकार से ये भी एक तपस्या है मुझे अभी आपके अफसरान से बता रहे थे कि जब बर्फ वर्षा हो जाती है तो आपकी साल भर की एक्सरसाइज वो बर्फ को हटाने में हो जाती है इतना शारीरिक श्रम होता है इतनी मेहनत होती है कि कोई और एक्सरसाइज के लिए अवसर ही नहीं रहता है जरूरत भी नहीं रहती लेकिन मुझे बताया गया कि आप लोग रेगुलर योगा प्रैक्टिशनर है योगा करते हैं क्योंकि ऐसे माहौल में ये जो आपके यहां योगा के प्रति आग्रह रखा जाता है आप भी अनुभव करते होंगे कि उससे आपको एक अलग प्रकार का जीवन के भीतर का एक संतोष महसूस होता होगा एक रिलैक्सेशन महसूस होता होगा मैं अभी अफसरों से बता रहा था कि ये अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए योगा करे वो एक बात है अच्छे से अच्छा योगा करने वाले को ज्यादा आनंद आ जाए और भी साथी देखें यार कमाल है इसका बॉडी इतना बैंड होता है तो ये भी कर सकता है ये तो वो भी कर सकता है उसको भी गर्व महसूस होता है देखो तुमसे तो मैं ज्यादा अच्छा करता हूं लेकिन मैं आपके बीच आया हूं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा क्योंकि मैं उस दुनिया का योगा मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है और मुझे काफी ताकत भी मिलती है और लोग भी मुझे कभी कभी पूछते ही रहते हैं कि मोदी जी इस उम्र में इतना दौड़ते कैसे हो ये सवाल मुझे हर कोई पूछता है तो मैंने कहा कि जो जिनको 5 साल के बाद कोच छोड़ने की इच्छा है 3 साल के बाद छोड़ने की इच्छा है जाने वाला है उसने अपने आखिरी कार्यकाल में खुद को एक योगा ट्रेनर के रूप में ट्रेन करना चाहिए इंटरनेट पर सब जगह पर पढ़ना चाहिए किताबें पढ़नी चाहिए घर जाने के बाद आज एक बहुत बड़ा नया प्रोफेशन इंतजार कर रहा है जैसे लोगों के पुराने जमाने में गांव का छोटा भी परिवार होगा तो उनका अपना पर्सनल एक ज्वेलर हुआ करता था सोनार होता था 3-3 पीढ़ी 4-4 पीढ़ी हो गई और उसी सोनार से ही वो अपना खरीदना बेचना काम करते क्योंकि वो तो विश्वास बन जाता है उसी प्रकार से फैमिली डॉक्टर होता है
तीसरा एक फैमिली का पुजारी होता है, घर में कोई भी शुभ प्रसंग है, शादी है, तो वही पुजारी आता है। हमारे यहां तीन लोग परंपरा से हर फैमिली के साथ आइडेंटिफाई होते हैं। वे ये सोना तो ये परिवार उसके साथ जुड़ा हुआ है, ये पुजारी हैं जो विधि विधान करवाते हैं तो ये हैं इन परिवार के, और फैमिली डॉक्टर है तो ये है। वैसा ही अब चौथा हुआ है कि भई हमारे परिवार का योगा टीचर है, ये हमारा फैमिली का योगा टीचर है, ये हमारा योगा ट्रेनर है, और दुनिया के सब देशों में इसकी मांग है। और जब किसी को पता चले कि भई आप योगा के ट्रेनर तो हैं लेकिन आप फौजी हैं, तो उसका भरोसा बहुत बढ़ जाता है, विश्वास बहुत बढ़ जाता है, वो आपको आराम से अपने घर में एंट्री दे देता है, क्योंकि आपके पीछे एक बहुत बड़ी इज्जत है। एक परंपरा ने, एक तपस्या के कारण फौजी की इज्जत बनी हुई है। ये एक ऐसी जगह है, तो मैंने ऐसे ही कहा कि भाई कुछ ऐसे नौजवान हैं, उनको धीरे धीरे इसमें रुचि बढ़ानी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। 2022 हमारे देश की आजादी के 75 साल होंगे। आजादी क्या होती है, ये भारत माता क्या होती है, ये तिरंगा झंडा क्या होता है, इसकी भावात्मक ताकत शायद फौजी से अधिक कोई नहीं समझ पाता है। उसके लिए तो सब कुछ होता है, तिरंगा झंडा यानी उसके लिए सब कुछ, भारत की सीमा यानी उसके लिए सब कुछ, सवा सौ करोड़ देशवासियों की सुरक्षा यानी उसके लिए जिंदगी, ये उसके जहन में होता है। वो सोता है, बैठता है, जागता है, उठता है, या तो वो तिरंगे के लिए जीता है, या तिरंगे को लपेट के मरता है, ये उसका मिजाज होता है। ये मामूली चीज नहीं होती, लेकिन ये जो हुआ वो आजादी के कारण गर्व हमारे लिए संभव हुआ। उस आजादी के लिए कितने लोगों ने जीवन दे दिए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, न जाने अनगिनत लोग देश की आजादी के लिए मर मिटे। आप में से किस लोगों को तो हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में ड्यूटी पर काम जाने का अवसर आता है, और फौजी वहां ऐसी कोई वीरता की चीज हो तो जरूर देखने जाता है। आपने देखा है सब चीज, आपने तो महसूस किया, अंडमान निकोबार जाने का मौका मिला होगा तो आपने जरूर वो सेल्यूलर जेल देखी होगी, जहां कैसे हमारे आजादी के वीरों ने अपनी जिंदगी वहां तिल तिल झला दी। इतना कष्ट, इतनी तपस्या झेल करके जो आजादी हमने पाई है, क्या आजादी के 75 साल जब हो रहे हैं तब क्या हमारे देश के लिए हम कुछ और कर सकते हैं क्या? मैं 125 करोड़ देशवासियों की एक ही बात करता हूं, अगर एक भारतीय एक संकल्प करे और 2022 तक वो पूरा करे कि मैं देश के लिए, समाज के लिए, बिरादरी के लिए ये करूंगा, पॉजिटिव, अगर एक हिंदुस्तानी एक कदम चलता है, हिंदुस्तान 125 करोड़ कदम आगे निकल जाएगा, ये उसकी ताकत है। और इसलिए हम सेना में हैं तो वहां भी मैंने इन दिनों जब आर्मी डे होता है, नेवी डे होता है, एयरफोर्स डे होता है, तो मैंने एक सुझाव रखा था कि हमारे जो सीमा पर बैठे जवान हैं, वो यूनिफॉर्म में हो, तगड़ा से तगड़ा हथियार उसके हाथ में हो, लेकिन अंदर जो दिल है वो
वो तो वैसा ही होता है जो हम सबका होता है। वो भी कविताएं लिखता है, वो भी कविताएं गुनगुनाता है, वो भी शेर शायरी करता है, उसका भी दिमाग चलता है, कुछ कुछ इनोवेशन करता है। छोटा सा साधन होगा तो देखेगा ऐसा करो तो ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा हो, करता रहता है। सीमा पर अपनी कोई कोई नई नई चीज करता रहता है। तो मैंने कहा ऐसे जो इनोवेशन करते हैं इनका कंपटीशन होना चाहिए। और हर साल जब आर्मी डे मनाएं, नेवी डे मनाएं, एयरफोर्स डे मनाएं, तो ये जो हमारे जवान इनोवेशन करते हैं, जो फौज के लिए काम आते हैं और भी काम में आ सकते हैं, पानी की समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। जैसे एक बार मैंने देखा कि एक छोटे से सिपाही ने एक बढ़िया सवाल, बोले हेलीकॉप्टर से हम उतरते हैं रस्सी से तो हमें तो डर होता नहीं, क्यों हमें तो उतरना है, हम तो मौत को मुट्ठी में लेके घूमते हैं। लेकिन जब नीचे पहुंचते पता चलता है नीचे तो जमीन है ही नहीं, रस्सी लटक रही है। अब ऊपर बता नहीं सकते हैं कि यार मैं तो नीचे आ गया, जाऊं कहां। तो एक फौजी ने एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट खोजा, रस्से के नीचे उसने लगाया, जैसे ही जमीन को रस्सा छूता है तो ऊपर रिंग बजती है हेलीकॉप्टर में, तो पायलट को पता चलता है हाँ अब रस्सा नीचे, तो वो सेफली नीचे होता। अब छोटी चीज है, उसने खोजा क्योंकि वो रोज काम करता था। मुझे दिखाया, मैं इतना प्रसन्न हो गया। खैर बाद में तो उसको मल्टीपल करके सब जगह पे लगाने की दिशा में काम हो रहा है। मेरा आपसे भी आग्रह है कि जरूर नहीं कोई आप टेक्नीशियन हो, इंजीनियर हो, आपने कुछ न कुछ तो आपका चलता ही होगा, कुछ न कुछ आप करते ही होंगे, उसको एक सिस्टम में कैसे लाए।